नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बसेरा आप सभी का संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 26 मार्च 2019। हम देखेंगे आज के करंट अफेयर, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज की कोट है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो यदि दुनिया में जितनी भी महान चीज़ें हुई हैं या किसी ने कुछ महान कार्य किया है, तो कभी भी उसने अपने कम्फर्ट जोन या फिर अपने क्षेत्र में कहीं को आराम करके उसको हासिल नहीं किया है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, तब जाके वो चीज़ें संभव हो पाई हैं। यदि आज मनुष्य चाँद मंगल तक में पहुँच गया है चाँद, तो इसके लिए उसने अथक प्रयास किए हैं और तब जाके वो पहुँचा है। तो आप भी निराश मत होइए, निरंतर कोशिश करते रहिए और आप भी अपने कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं आज के करंट अफेयर शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की खबर है, पहली खबर है, नीति आयोग ने नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। तो ये फाइनेंशियल टेक कॉन्क्लेव थी और इसका उद्घाटन किया गया आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा। और इस पे जो ये फिनटेक कॉन्क्लेव था, इसमें 300 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आईसीआईसीआई, एसबीआई और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। तो याद रखिएगा, 300 से अधिक कंपनियों ने इस कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। भारत की ग्लोबल इमर्जिंग ट्रांजिशन इंडेक्स में जो रैंक है वो 115 देशों में 76वीं है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 76वीं, 76, और इस इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने। तो जैसे हैप्पीनेस का भी इंडेक्स आया था तो उसमें भारत की रैंक थी 140, उसको भी टॉप किया था स्वीडन ने। और ये जो इंडेक्स है ये निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक वर्ल्ड बैंक की शाखा है और ये एक जेनेवा बेस्ड शाखा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, और इसके फाउंडर थे कालूस स्क्वेब। तो इसकी स्थापना की गई थी कालूस स्क्वेब द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 76वीं। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 5 सदस्यीय कमिटी की स्थापना की है, जो कि डिजिटल पेमेंट को मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव देगी। तो इसका चेयरमैन बनाया गया है, तो इसकी चेयरमैनशिप करेंगे नंदन नीलकनी, जिन्होंने भारत का आधार सिस्टम UIDAI सिस्टम जिसे कहते हैं उसको डेवलप किया था। तो नंदन नीलकनी होंगे आरबीआई की स्पेशल टीम के चेयरमैन, जो कि डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव देंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की यात्रा पर गए। तो इन तीनों देशों को याद रखिएगा, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि क्रोएशिया की इसकी राजधानी है जागरेब और मुद्रा है कुना। वैसे बोलीविया की राजधानी है सुक्रे और मुद्रा है बोलीवियाओ। और चिली की राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा है पेसो। तो तीनों याद रखिएगा, आजकल मुद्रा और कैपिटल से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से CH-47F फर्स्ट चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया। तो चिनूक हेलीकॉप्टर बने हैं भारतीय वायुसेना के सदस्य। तो चंडीगढ़ वायु स्टेशन में इन्हें वायुसेना में शामिल कर लिया गया। और आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में, तो सितंबर 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को के लिए समझौता किया गया था मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ। तो उसी समझौते के तहत आज इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो मेसर्स बोइंग लिमिटेड ने बनाया है चिनूक हेलीकॉप्टर। ललित कला अकादमी ने
साठवें वार्षिक अकादमिक पुरस्कार के 15 विजेताओं की घोषणा की। तो अब जल्द ही हमें शायद आज शाम तक हम ललित कला अकादमी पे एक वीडियो अपलोड करेंगे कौन कौन से इनके विनर हैं, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आज शाम तक उसका वीडियो आ जाएगा आपके पास। तो ललित कला अकादमी के बारे में आप पॉइंट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और यह है यह है नई दिल्ली में, और यह आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में कार्य करती है निरंतर। और ये जो भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो पीटर टबीची को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो टीचिंग के लिए सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज, तो इसके लिए पीटर टबीची को सम्मानित किया गया है। तो ये बेस्ट टीचर हैं वर्ल्ड के, और ये एक समाज सेवक हैं। ये अपनी आमदनी का लगभग 80% गरीबों की सेवा के लिए दान कर देते हैं। तो बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो याद रखिएगा पीटर टबीची को मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज। अमेरिका ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अरोरा को बनाने की घोषणा की है, और इस कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और क्रे के बीच समझौता किया गया है, और इस कंप्यूटर की स्पीड होगी पर सेकेंड 1 बिलियन गणनाएं। तो ये 1 सेकेंड में 1 बिलियन से भी अधिक गणनाएं करेगा। तो याद रखिएगा, तो अमेरिका बनाएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम होगा अरोरा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो के गोविंद राज को पुनः बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। तो पुनः बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं के गोविंद राज। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1950 में, और इसका मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। नरेश गोयल, जो कि जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अब जेट एयरवेज के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने जो कि जेट एयरवेज की जिन्होंने स्थापना की थी नरेश गोयल, इन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। तो जेट एयरवेज आप याद रख सकते हैं, इसकी पेरेंट शाखा है इथियाद एयरवेज, एक दुबई बेस्ड कंपनी है, और इसके सीईओ हैं विनय दुबे, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अगली खबर है, मतदान को आसान बनाने के लिए और 2 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुलभ चुनाव के मतदान के नारे को लागू करने के लिए महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है PWD। तो PWD मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि PWD ऐप किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित है। और महाराष्ट्र के बारे में आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं विद्यासागर राव, और महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, जैसे चांदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, और नवीगांव नेशनल पार्क, और टडोबा नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क लगातार खबरों में रहते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो इंडिया के, वो हैं सुनील अरोड़ा, इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो ये पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईबे अपने यूजर्स को अब ईबे ने गूगल के साथ एक समझौता किया है। ईबे के यूजर अब गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ईबे ने ज्वाइन किया है गूगल पे को। ये एक पेमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है गूगल का, जैसे भीम है, जैसे पेटीएम है, वैसे ही गूगल पे। तो ईबे ने ज्वाइन किया है या हाथ मिलाया है गूगल पे के साथ। पैरालंपिक हाई जंपर गिरीश गौड़ा, तो नाम याद रखिएगा, पैरालंपिक हाई जंपर हैं गिरीश गौड़ा, इन्हें कर्नाटका लोकसभा चुनाव का एम्बेसडर राजदूत बनाया गया है। तो जब कर्नाटका लोकसभा चुनाव के राजदूत होंगे गिरीश गौड़ा। तो 2019 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम की ट्रॉफी चाइना ने जीती। तो याद रखिएगा 2019 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम की ट्रॉफी जीती है चाइना ने। दुनिया की पहली वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्ज
कार चार्जिंग स्टेशन। तो दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन नॉर्वे में शुरू किया गया, और इसको शुरू किया ऑस्लो टैक्सीज ने, और नॉर्वे की राजधानी भी है ऑस्लो। तो नॉर्वे ने टारगेट रखा है कि 2025 तक वो ऐसे ही जो कि प्रदूषण रहित कार हैं या इलेक्ट्रिक कार हैं इनको प्रोत्साहित करके अपने देश में कम से कम वायु प्रदूषण करेगा, और बाकी देशों ने जो टारगेट रखा है वो 2040 का रखा है। तो नॉर्वे में शुरू हुआ है पहला इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन और इसको शुरू किया ऑस्लो टैक्सी ने। लोक कलाकार और रेडियो कमेंट्रेटर अनुसुईया देवी का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अनुसुईया देवी जो कि एक लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर थी, इनका निधन हो गया। बांग्लादेशी गायक शहनाज रहमतुल्ला का निधन हो गया। तो शहनाज रहमतुल्ला जो कि एक बांग्लादेशी गायक थे नहीं रहे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पर्सन रफ़ी इटियान जो कि मोसाद एजेंट थे, या फिर मोसाद है इसराइल की खुफिया एजेंसी, तो ये एक जासूस थे। तो और इन्होंने नाजी एडोल्फ को और यह नाजी एडोल्फ को पकड़ने वाली टीम में भी शामिल थे। तो इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा राफी इटियान जो कि एक जासूस थे, किसके, मोसाद, जो कि इसराइल की स्पाई एजेंसी है। जैसे हमारे देश की रॉय पाकिस्तान क्या ऐसा ही है, वैसे ही इसराइल की मोसाद है। तो याद रखिएगा राफी इटियान नहीं। आज एक इम्पोर्टेंट दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसटलांटिक स्लेव ट्रेड जो कि मनाया गया 25 मार्च को। तो स्लेवरी के विक्टिमों की याद में जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 मार्च को, और इस वर्ष इसका थीम था रिमेम्बर स्लेवरी द पावर ऑफ द आर्ट ऑफ जस्टिस। देखिएगा इंपोर्टेंट दिवस है, 25 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियोस हम आप डेली बेसिस में अपलोड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप निरंतर प्रयत्नरत होंगे, आप सफलता के करीब पहुँच चुके हैं, आप इसी प्रकार कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर प्रयत्नरत रहिए। तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।